हेलो मेरे भाइयों, क्या हालचाल है आप लोगों का। तो गाइज आज हम खेल रहे हैं GTA 5। और गाइज हम लॉस सैंटोस के बहुत बड़े बिजनेसमैन की दो कार हम चुरा के लेके आए थे, बट अभी दिक्कत हो चुकी है गाइज, क्योंकि वो कार बहुत महंगी थी। इसलिए लॉस सैंटोस की सारी पुलिस उस कार को ढूंढने में लगी हुई है, जिस वजह से हम उस कार को चला ही नहीं सकते गाइज। तो अब एक ही काम कर सकते कि उन दोनों कारों को हमको बहुत सस्ते में बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो कार वैसे तो बहुत महंगी है, लेकिन लॉस सैंटोस की सारी पुलिस उस कार के पीछे पड़ी हुई है। इस वजह से उस कार को बेचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और आप दोनों कारों का लुक देख ही सकते हैं गाइस, दोनों कार कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। ये दोनों कार मेरे को इतनी ज्यादा पसंद आई है कि मेरे को इन दोनों कारों को बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं है गाइस। पर अब क्या ही कर सकते, क्योंकि हम इस कार को लॉस सैंटोस में तो नहीं चला सकते, और अगर हम इन दोनों कारों को नहीं बेचते तो एक ना एक दिन पुलिस इन दोनों कारों को ट्रैक कर ही लेगी गाइस, और माइकल को पकड़ के जेल में डाल देगी। और जिसकी ये दोनों कार है वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, हो सकता है पुलिस हमको उस बिजनेसमैन के हवाले कर दे, और फिर वो बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा क्योंकि उसकी इतनी महंगी कार हमने चोरी की है। और वो बिजनेसमैन माइकल को जान से भी मार सकता है गाइस। हम लॉस सैंटोस में नए नए रहने आए और हमारे पास पैसे की वैसे ही बहुत ज्यादा कमी है। अगर ऐसे में माइकल को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली का ध्यान कोई नहीं रखेगा गाइस। तो इस कार को अपने पास रखने में बहुत ज्यादा रिस्क है गाइस। इससे अच्छा है कि हम इस कार को बेच देंगे और जितने भी पैसे उससे मिलेंगे उससे हम कोई एक बढ़िया सी कार नई खरीद लेंगे। वैसे इन दोनों कार की वैल्यू $2 मिलियन है गाइस, जिससे हम एक लैम्बोर्गिनी शियान भी खरीद सकते हैं। बट ये कार चोरी की है इसलिए ये कार बहुत ही कम प्राइस में बिकने वाली है गाइस। लैम्बोर्गिनी शियान खरीदने के लिए हमको अपने पास से इसमें बहुत सारा पैसा डालना पड़ेगा। अपने पास $7 लाख है और लैम्बोर्गिनी शियान आएगी अपनी $2 मिलियन की गाइस। दोनों कारों को बेच के और अपना सारा पैसा लगा के हम लैम्बोर्गिनी शियान तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा गाइस। तो आप कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो में हमको कौन सी कार खरीदनी चाहिए। वीडियो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।